नमस्ते बंधुओं, आपका दयानंद एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं वीडियो के माध्यम से एक विशेष ज्ञान आपको दूंगा। एक्यूप्रेशर, योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा साथ साथ, देखिए नॉलेज इज द बेस्ट पावर। जितने महापुरुष हुए हैं, भगवान बुद्ध, राम, कृष्ण, दयानंद, विवेकानंद और पतंजलि, ये जितने महापुरुष हुए हैं, इन्होंने हमको नॉलेज दी और नॉलेज के द्वारा हम अपने जीवन का उद्धार करते हैं। उसी प्रकार मैं आपको एक्यूप्रेशर, योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान दे रहा हूँ। और दोस्त, हमको गिव एंड टेक का सिद्धांत पर चलना चाहिए। ज्ञान के साथ में बदले में श्रद्धा पूर्वक कुछ न कुछ हमको भी दक्षिणा देनी चाहिए। देखिए, ये हमारा महर्षि दयानंद चैरिटेबल जनसेवा ट्रस्ट आपको ज्ञान दे रहा है, निःशुल्क ज्ञान दे रहा है, तो बदले में आप भी ट्रस्ट को कुछ न कुछ देते रहेंगे तो ये हमारा जो ट्रस्ट है आपके लिए इसी प्रकार विशेष ज्ञान देता रहेगा। दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया। जब तक आदमी स्वस्थ नहीं रहता, क्रोध आता रहता है, चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत हो, कितनी भी अच्छी पत्नी हो, कितना भी अच्छा बेटा हो, लेकिन जब शरीर अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो ये सब बेकार लगता है। तो पहला सुख निरोगी काया रखने के लिए एक्यूप्रेशर, योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा साथ साथ करनी चाहिए। आज के समय में एक बीमारी माताएं बहनाओं को, बुजुर्गों को बहुत चल रही है, जैसे एड़ी में दर्द रहना। और जब आप जानते हैं, सुबह बेड पे से उतरते ही चला न जाए तो कितना दुख होगा। तो देखिए, तीनों चिकित्सा के द्वारा मैं ज्ञान दूंगा आपको। देखिए, अगर किसी का एड़ी में दर्द रहता हो तो इस तरह योगासन करें। देखिए, 10-10 बार इस तरह घुमाएं, इस तरह क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। देखो, एड़ी दर्द के लिए आप इस तरह घुमाएं, देखिए ये इस तरह योगासन करें, इस तरह करें। और देखिए, मैं एक्यूप्रेशर के द्वारा, देखिए ये दोनों हमारी टांग हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये सिर है, तो ये एड़ी का पॉइंट हो गया एक्यूप्रेशर पॉइंट। देखो ये यहाँ पर आप एक्यूप्रेशर करें, यहाँ पर इस तरह। सुबह सुबह अगर बेड में ही आप एक्यूप्रेशर इस तरह करेंगे तो एड़ी का दर्द कुछ दिन में ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी उंगली पे भी करें, इस तरह करें। तो देखिए, योगासन, एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी के द्वारा एड़ी का दर्द कैसे ठीक करें। देखिए, ये आपकी एड़ी है, देखिए ये आप सुबह खाली पेट मिट्टी की पट्टी बना लें, इस तरह। देखिए, इस तरह मिट्टी रात को भिगो दें और सुबह पट्टी बना करके देखिए ऊपर से, इस तरह ये, इस तरह आप चारों तरफ को इस तरह लगाएं। देखो, इस तरह आप 15-20 दिन ये क्रिया कर लें आप। देखो, इस तरह तो आपका एड़ी का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। देखिए, इस तरह रख लें और दूसरी पट्टी आप दूसरे पैर में रख लें, देखिए इस तरह।
देखिए कितना सरल ज्ञान मैं दे रहा हूँ, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। हर जगह आपको मिट्टी मिल जाएगी, पार्कों में मिल जाएगी। और देखिए माटी ओढ़ना माटी ही बिछाना कबीर साहब ने कहा है। हमारे महापुरुषों ने संतों ने शरीर के लिए बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है। आज हमारी भारत सरकार भी कह रही है इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। बीमारी का कारण है इम्यूनिटी पावर कम हो जाना। तो दोस्तों आप ज्ञान के साथ साथ में बदले में श्रद्धा पूर्वक अगर दान भी देते रहेंगे तो आपको परमपिता परमात्मा प्रकृति आपको स्वास्थ्य देगी। अंग्रेजी दवाओं का साइड इफेक्ट बहुत होता है, योगासन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा जो ट्रस्ट है साथ साथ ज्ञान दे रहा है एक्यूप्रेशर का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का। देखिए कितना सरल ज्ञान आपको मैंने इस वीडियो में दिया है। मिट्टी के द्वारा एड़ी का दर्द ठीक करें, एक्यूप्रेशर के द्वारा एड़ी का दर्द ठीक करें और योगासन के द्वारा एड़ी का दर्द ठीक करें और अपना भोजन में सुधार लाएं। नाश्ते में टमाटर का सूप पिए, सलाद में खीरा खाएं, टमाटर खाएं, मूली खाएं, सेब खाएं और दोपहर का खाना आप 11 बजे तक खा लिया करें और शाम का खाना 8 बजे से पहले खा लिया करें तो बिना दवा के आपके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों पैसा बहुत मेहनत से कमता है, देश का पैसा देश में काम आना चाहिए। मैं डॉक्टर जयपाल सिंह आर्य नेचुरोपैथ एवं एक्यूप्रेशर, मेरा मोबाइल नंबर 9897-35-83-04। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सकता है आपके ज्ञान के द्वारा किसी का जीवन बन जाए। जय हिंद, जय भारत।